आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यार से चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है। जवाब है हमारा, ड्यू टू यूनिटी चेंज इन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया टू ओरिजिनल एरिया इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कह रहा है ड्यू टू यूनिटी चेंज इन टेम्परेचर, ताप में एकांक परिवर्तन के कारण द रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया टू ओरिजिनल एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को, कहता है अनुपात को हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय बीटा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा द्वारा सूचित करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन इनवर्स, इसका एसआई मात्रक केल्विन इनवर्स होता है। कह रहा है हमारा कि एकांक ताप में परिवर्तन के कारण क्षेत्रफल में परिवर्तन और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, इसे बीटा द्वारा सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक केल्विन इनवर्स होता है। इसी को अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में हमारा क्वेश्चन होगा हमारा हिंदी में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है। क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है। आंसर हमारा होगा ताप में एकांक परिवर्तन के कारण ताप में एकांक परिवर्तन के कारण क्षेत्रफल में परिवर्तन और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा द्वारा सूचित करते हैं। इसे क्या चीज द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, तो इसे बीटा द्वारा सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक केल्विन इनवर्स होता है। ताप में एकांक परिवर्तन के कारण क्षेत्रफल में परिवर्तन और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा द्वारा सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक
केल्विन इन्वर्स होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।